भारत में 2 सितंबर द्वारकापुरी से लोकनाथ स्वामी महाराज, जयप्रतिका स्वामी और सभी इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गुजरात से बहुत लोग ऊंट हाथी लेकर चल पड़े थे, जैसे महाराज ने समझाया। तो मॉरिशस में भी उसी समय कालादास प्रभु, जो कनाडा के रहने वाले हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने भक्तों को लेकर मॉरिशस में पदयात्रा प्रारंभ किए, उसी समय जब भारत में पदयात्रा प्रारंभ हुआ था। तो मॉरिशस तो छोटा है, आप लोग तो चलते हो 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हम लोग चलते थे एक समय, 25 किलोमीटर, लेकिन यहाँ तो हम लोग 3 किलोमीटर पहुँच एक दूसरा गांव मिल जाता है, और गन्ने का खेत चारों तरफ है, 3-4 किलोमीटर में पहुँच जाते थे और बहुत धूमधाम से प्रोग्राम हो जाता। उस समय गिरिराज स्वामी महाराज, मेरे गुरुजी, भी भाग लिए थे वो मॉरिशस पद यात्रा में। मैं फुल टाइम नहीं था, लेकिन मैं आते जाते थे पदयात्रा में, कभी 2-3 दिन ठहर कर चले जाते थे जहाँ मेरा सेवा था। लेकिन महाराज जी का उनका न्यूज़ लेटर पढ़ते रहता था, लोकनाथ स्वामी का पदयात्रा का न्यूज़ लेटर। तो बाद में हम बहुत विनती करते हुए मॉरिशस के जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो हमने 1989 में ज्वाइन किया पदयात्रा। जब मॉरिशस के भक्तों के सहयोग से मैं मायापुर पहुंचा था, वहां महाराज जी से दर्शन हुआ 89 में प्रथम बार। मायापुर फेस्टिवल के समय में महाराज ने मेरे टिकट बनवा कर नागपुर पहुंचा दिया। वहां पर मैं राधारमन महाराज जी से मिला, उन्होंने कहे मुझको अभी पदयात्रा आने वाला है 4-5 दिन में, आप कृपया यहीं रुकिए। मैं बोला नहीं, मैं आया हूँ पदयात्रा के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं बस पर चढ़ा, तो मॉरिशस का नियम है आप ही रस्सी को खींच कर ड्राइवर को रोकोगे। तो जब लखनऊ डॉन आया महाराष्ट्र में, मैंने रस्सी खींचा, तो पहला वो जो है कंडक्टर मुझे गाली दिया, बोला ये आपका काम नहीं है, ये क्यों रस्सी खींच रहे हो। अब मैं कहाँ बोलूँ कि मॉरिशस में ये नियम है। तो मैं उतरा, तो जब मैं उतरा तो पहली जो दर्शन हुआ रथ में जो निताई गौर सुंदर का, तो मैं वो पुजारी था जय कृष्ण दास गौड़िया मठ का, उस समय वो पुजारी थे। तो जैसे मैं प्रवेश कर रहा हूँ, वो जो हॉल या स्कूल में ठहरे थे, एक आवाज आया बहुत जोर से, बफलो ब्रेन, गेट आउट, गेट आउट। तो मैंने सोचा क्या है ये पदयात्रा में, पहली बार मैं आया, जैसे प्रवेश कर रहा हूँ, तो हमारा पूज्य जय विजय प्रभु थे। जय विजय प्रभु की। तो जय विजय प्रभु एक जो शराब पिया हुआ था, वो बहुत आकर पदयात्रियों को तंग कर, वो पदयात्रियों को तंग कर रहा था, तो इसलिए जय विजय प्रभु उसको भगा रहे थे वो कमरे से बाहर, क्योंकि भक्तों को वो थोड़ा तंग कर रहे थे। तो हमारे अंत में यही कहूँगा कि महाराज की तो कृपा बहुत हुआ हम पर, और हम भी कहेंगे कि ये पदयात्रा जो तूफान से गुजर रहे थे हम लोग मॉरिशस में मिड 80s में, हमारे जो खुद गुरुजी जो दीक्षा लिए थे अपने आसन छोड़कर चले गए, तो काफ़ी समस्या थी। तो हमारे जीवन में ये पदयात्रा ही पुनः हमें प्रेरणा दिए, और पुनः हमको ये इस्कॉन का पूरा जो प्रभुपाद जी का पुस्तकें पढ़ने का प्रेरणा दिए, जप करने का प्रेरणा दिए, और उत्साह से जब मैं पदयात्रा पूरा समाप्त किया, तो इतना तो मेरे हृदय में था कि अब कभी इस्कॉन छोड़कर मैं कहीं नहीं भटकूंगा, चाहे भी कितने भी तूफान आ जाए या चाहे भी कुछ। ये पदयात्रा के कृपा से, पदयात्रियों भक्तों के कृपा से, जय विजय प्रभु, जय विजय प्रभु के कृपा से। क्योंकि हमारे जय विजय प्रभु अभी उपस्थित नहीं है यहाँ पर, लेकिन उनकी कृपा से, सनक सनातन प्रभु के कृपा से, उपानंद जो है, पुराने भक्त जो भी, रास रसिका सभी भक्त जो हैं हमारे,
प्रहलाद जो स्वादिष्ट प्रसाद बनाकर हम लोगों को खिलाते थे, दशरथ जो पीछे में बैठे हैं उधर में, उनके आशीर्वाद से, पंचजन्या दशरथ का जो हेल्पर थे पीछे में, ये पुराने भक्त हैं। तब बाद में इष्टदेव प्रभु आए। इष्टदेव प्रभु में यही योग्यता था कि वो जैसे एडवांस पौती करते थे किसी राज्य में, वो भाषा ऐसे सीख लेते थे और बहुत उनमें शक्ति था। वो छोटे से माइक बाइक दे दिया गया था सनक सनातन प्रभु ने उनको एडवांस पौती करने में, बहुत अच्छा से वो करने लगे एडवांस पौती। ए से जेड गांव के सरपंच सब कुछ देते थे वो, जब इष्टदेव प्रभु एडवांस पौती करने लगे तभी से उनमें लीडरशिप का बहुत गुण हमने देखा। तब हम सनक सनातन प्रभु से बहुत मिलते थे, दोनों भाई की तरह काम करने लगे। लास्ट में यही कहूंगा कि अभी हम लोग एक समय पदयात्रा में ऑफिस जो संत नगर में था, पदयात्रा ऑफिस, वहां से हम लोग पैसा वेट करते थे आएगा तो मेंटेनेंस के लिए जय विजय खर्च करेगा, टायर के लिए या कुछ भी समस्या हो गया। लेकिन सनक सनातन ऐसा चमत्कार किए पदयात्रा में कि बाद में हम लोग पैसा इतना मिलने लगा कि हम लोग ऑफिस के लिए भी पैसा भेजने लगे। तो सनक सनातन प्रभु का योगदान क्या था, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किए। महाराज जी आए एक दिन और उन्होंने चमत्कार दिखाए, उन्होंने प्रवचन दिए पूरा गांव में, रूरल एरिया में। तो अब सभी को प्रेरित किए कि पुस्तक लेने को। एक आया जब सामने पुस्तक लिया, सभी लोग तालियों बजाए, और दूसरा आया, तीसरा आया, गांव के काफ़ी लोग आए। तो हमारे सनक सनातन प्रभु ने पहला जो पुस्तक का जो था, उन्होंने खुद अपने जर्मन करेंसी में का डोनेशन दिया था। क्या नाम है जर्मन करेंसी का? दशमा। उन्होंने डोनेशन दिया, इतना पुस्तक लाने लगे वो पदयात्रा में, जगह नहीं है रखने को। पीछे के जो गाड़ी में फूल, ट्रैक्टर पर फूल चारों तरफ, और फिर युद्ध होता था हर रोज पुस्तक बांटने में, कृष्ण बलराम और सभी भक्तों में भारी संघर्ष, कौन सबसे आगे बढ़ेगा पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन। कृष्ण बलराम जो हमेशा नंबर वन पर आता था, और कृष्ण बलराम ने महाराज को थोड़ा देखा कैसे किया, तो महाराज तो पवित्र हमारे गुरु हैं, उनमें तो इतना शक्ति था। तो कभी कभी गांव वाले नहीं आएंगे पुस्तक लेने के लिए, तो वो प्रवचन शुरू करेंगे कृष्ण बलराम, बोलेंगे कि अगर भगवद गीता नहीं लेंगे आप लोग तो आपका घर शमशान बन जाएगा। तो फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं लेने को, फिर बोलते जाएगा, मंत्र उच्चारण करते जाएगा। बाद में ऐसे बोलते थे वो, बहुत बार सुना मैं तो पुजारी करता था उसमें, बोलते यदि आप लोग भगवद गीता नहीं लेंगे भूत आएगा आपके घर में। तो ये किशा बना कभी 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 ऐसे बहुत भीड़ थे। कृष्ण बलराम जो है वो आर्मी में थे पहले, इस्कॉन में आने से पहले वो इष्टदेव ने बोला जब भी गांव में पहुंचते थे तो अपना जो ट्रेनिंग मिला आर्मी में करना शुरू कर देते थे, गांव वाले आकर देखते थे कि कैसे कर रहे हो। तो कृष्ण बलराम बहुत वीर थे वो हमारे कृष्ण बलराम जी। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन सनक सनातन प्रभु के चरणों में भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण।